प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज टमाटर चटनी बनाएंगे। टमाटर चटनी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, 1 किलो टमाटर ऐसा काट के लिया है, 1/2 कप गुड़, 1/4 स्वाद अनुसार नमक, 1/4 लाल मिर्ची पाउडर, 2 स्पून सरसों मेथी को भून के पाउडर करके लिया है, 2 स्पून, 1 नींबू जितना इमली लिया है, 1 हींग, 1 राई, कड़ी पत्ता चौंक के लिए, ऑयल, इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है ऑयल, 100 ग्राम्स ऑयल लिया है, अभी 1 कढ़ाई में टमाटर डाल रही हूँ, थाली ढक के इसको पकने देंगे, बीच बीच में ऐसा मिक्स करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, इमली पानी में भिगोया है, अभी 1 मिक्सचर जार में इमली डाल रही हूँ, गुड़ डाल रही हूँ, इसको थोड़ा मिक्सी कर लेंगे। देखिए टमाटर पक रहा है, देखिए कितना अच्छा टमाटर पक गया है। अभी 1 कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल गर्म होने के बाद राई, हींग, कड़ी पत्ता, टमाटर जो पक गया था उसको इसी चौंक में डाल रही हूँ, इमली और गुड़ जो मिक्सी किया था वो भी इसी में डाल रही हूँ, इसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे, 1/2 स्वाद अनुसार नमक, 1/4 लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 राई मेथी का पाउडर डाल रही हूँ। देखिए टमाटर चटनी रेडी हो गया है, इसको अभी सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। ये टमाटो चटनी 1 महीना तक बाहर रख सकते हैं, फ्रिज में रखने से 2-3 महीना भी रख सकते हैं। टमाटर चटनी रेडी।